जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए सैनिक सचिन डागर का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर बाद उनके पैतृक गांव अलीपुर लाया गया। कुछ देर घर पर रखने के बाद शहीद की अंतिम यात्रा निकाली। गांव के पास स्थित मुख्य स्थल पर सैन्य विराज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि शहीद के पिता ने दी। अंतिम यात्रा में आसपास गांव के काफी लोग संख्या में पहुंचे। लोगों ने भारत माता के जय घोष के साथ साथ जब तक सूरज चांद रहेगा सचिन तेरा नाम रहेगा का जय घोष किया। कई युवा अंतिम यात्रा में तिरंगा लेकर शामिल हुए। वहीं गुरुग्राम में पहुंची सेना की टुकड़ी ने शहीद को सलामी दी। हमें बड़ी खुशी है जो देश के काम आया। मुझे गर्व है। तो कब ज्वाइनिंग की थी? 2015 में की थी ज्वाइनिंग। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे दो लड़के हैं। दोनों ही फौज में। तो आखिरी बार कब बात हुई थी? कब छुट्टी आ रही है? ये 7 तारीख गया था यहाँ से। छुट्टी काट के गया था। शादी में आया हुआ था। छोटी जी शादी थी लड़की, तब आया हुआ था। बड़ा लड़का शादी हो रही है? हाँ, बड़ी लड़की शादी हो रही है। छोटे लड़की शादी हो रही है? नहीं, लास्ट बार बात हुई थी आपको वहाँ पहुँचने के बाद? हाँ, हमारी हुई थी 8 तारीख होगी, 17 ये हो गई 14 तारीख की बात। क्या कुछ बात हुई? राज्य खुशी था। कोई दिमाग में शुरू से ही देश के प्रति अच्छी भावना थी और देश सेवा के लिए ये हमेशा आगे रहते थे। अभी कुछ दिन पहले छुट्टी आए थे और भाई बहन की शादी में छुट्टी आया था। अभी बहन की शादी थी और उसके बाद ग्यारह दिसंबर को शादी थी। कितने दिन की छुट्टी आ रहा है? ये उसमें 8-10 दिन के लिए छुट्टी आया था और उसके बाद श्रीनगर में ही पोस्टेड था। और कल शाम को हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे बात होगी और वो देश के लिए शहीद हो गए। अभी पता चला 3 तारीख को वापस गया छुट्टी काट। हाँ जी हाँ जी, 3 जनवरी। हाँ, 3 जनवरी। तो शादी वगैरह? नहीं, शादी नहीं हो रही। अनमैरिड था लड़का। था शादी कराई? थैंक यू।